हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइज, यह वाला गेम प्ले शुरू होता है कुछ इस तरीके से। भाई 968 पिंक के साथ हम बहुत गड़बड़ी में फंस चुके थे, क्योंकि मेरा तो जो प्लान था भाई गाड़ी पे उतरने का था, लेकिन फंस चुका हूँ इस भीड़ में। फिलहाल आसपास ऐसे कंपाउंड पे कोई बंदा उतरा नहीं था जो गन लेके मेरे पर रश कर दे या फिर गाड़ी से कुचलने आ जाए मेरे को। तो गाइस अभी से बताता हूँ कि ये वाला गेम प्ले एकदम फुल भरा हुआ है भाई इंटेंस से। जैसे शहद से भरा हुआ था ना छत्ता, वैसे ही लबा लब भरा हुआ है भाई इसमें इंटेंस। क्योंकि आमतौर पर मैं कभी स्टार्टिंग में और मिड पार्ट में फाइट लेता ही नहीं हूँ, तुमने देखा ही होगा। लेकिन इस वाला मैच में तुम्हारे भाई ने भाई स्टार्टिंग से ही किल करना शुरू कर दिया, मतलब एंड तक तो मचा देंगे। और गाइस एंड पार्ट तो इतना ज्यादा इंटेंस से भरा हुआ है, मतलब छलक रहा उसमें से इंटेंस। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। उसमें से एक भी क्लिप कट करने लायक नहीं है, और वो तो मैंने पूरा का पूरा पूरा दिखा रखा है गाइस। उसको देखोगे तो एकदम लाइव एक्सपीरियंस होगा जैसे तुम उस मैच में थे। अब मैं बग्गी उठा के आ जाता हूँ इस तरफ। यहाँ पर जो कंपाउंड है भाई, अच्छे खासा कंपाउंड है, यहाँ पर लूट मिल जाती है। और मुझे एक बोर्ड भी स्पॉट हो जाता है रास्ते में, इसको मैं लूट लेता हूँ। और इसके पास M16 और मिनी मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 30% या 40% हमारी लूट हो गई है। और हमको चाहिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑटो वेपन। अब ये देखो गाइस, वहाँ पर जो दो घर है वहाँ पर एक बग्गी पार्क की हुई है और एक बंदा है या फिर बोट है, देखो गाइस एक बार। ज़्यादा होशियारी नहीं करते अपन, अभी अभी तो लूट शुरू भी नहीं किया हमने। और ऊपर जो घर है ना भाई स्क्वाड हाउस, वो लूट लेते, क्योंकि वो बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। एक बार मुझे ऑटो वेपन मिल जाता है तो उस बंदे से मैं इजी फाइट ले सकता हूँ। और यहाँ पर लूट करने के बाद मुझे यूज तो मिल जाता है कम से कम। अब यहाँ पर जो दो घर है वहाँ की तरफ से बोट स्कैम कर रहा है असली बंदा या फिर असली में ही बोट है, तो एक बार जाके चेक करते अपना बग्गी लेके। अगर वो असली बंदा हुआ तो जाके उसको लूटेगा ज़रूर। अब हम अपना बग्गी लेके जाके चेक कर ही रहे थे कि बग्गी उसका स्पॉट हो जाता है मुझे, जो ये लूटने जा रहा था उस बोट को। और देखो गाइस यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैं अपना बग्गी रोक देता हूँ उसको फायर देने के लिए, और वो बंदा पहली फायर देता है मेरे को। अब मैं भी काउंटर फायर देता हूँ भाई को, बुलेट कनेक्ट ज़्यादा हुए नहीं, थोड़ा ही कनेक्ट हुआ। अब उसको मैं सोचता हूँ भाई बग्गी डैमेज कर दूँ, लेकिन वो बंदा भी मौके का फ़ायदा उठा के निकल लेता अपना बग्गी पे बैठ के। अब मैंने पूरी कोशिश की कि भाई का बग्गी डैमेज कर दूँ और जितना भी हो सके उसको डैमेज दूँ, लेकिन नहीं यार, वो बंदा निकल लेता। और फिलहाल हम आ जाते ये वाला कंपाउंड पे, और ये कंपाउंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है भाई लूट करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे अच्छी, मतलब ऑलमोस्ट सेटिस्फाइंग लूट मिल जाती है। और इतने में बोट भाई आ जाते जिनको हम मार देते। अब उसके पास से मुझे M4 का एमओ मिल जाता है, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। तो गाइस यहाँ से अब अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं, और होल्ड कर ही रहा था कि इस तरफ जॉर्ज पुल की तरफ से एक गाड़ी आती। और देखो गाइस क्या ही स्प्रे है, मतलब अगर तुमको ये वाला स्प्रे पसंद आया हो ना तो कम से कम 10-15 हज़ार लाइक्स कर दो तुम। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस यहाँ तक हमारे 3 किल हो चुके थे, और मेरा प्लान था भाई अब जोन के साथ मूव करूंगा। और इतने में एक और गाड़ी आती है गाइस, जिसको मैंने इतना फायर दिया भाई, इसको बुलेट कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने M4 पे स्विच किया, लेकिन भाई वो तब तक बहुत दूर जा चुका था। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 7 का एमओ बिल्कुल कम हो चुका था, और अब आ रही थी भाई जो मैंने पहला बंदा मारा था उसको लूट लेते। तो गाइस गेस करो कि एंड तक कितना किल मिल सकता है हमको, और बता देना अगर तुम्हारा सही गेस रहा हो। अब फिलहाल इस बंदे को लूट लेते हैं। यहाँ पर हमको एक्सटेंडेड मैग मिल जाता है और 7 का एमओ ग्रेनेड, मतलब ऑलमोस्ट जो हमको लूट चाहिए थी वो इस बंदे के पास से मिल जाती है, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आ जाता हूँ सीधा जोन के अंदर होल्ड करने, और जैसा कि मेरा फेवरेट प्लेस है ये, यहाँ पर होल्ड करने लग जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड करता हूँ, और जितना पॉसिबल हो सके, मतलब मेरे पे जोन रहता है तो यहीं पर होल्ड करने वाला था मैं। और इतने में एक बग्गी आती है,
बग्गी जाती है भाई इस तरफ और उस पर मैं फायर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बग्गी का स्पीड मैंने गेस कर लिया था और फायर भी दिया, लेकिन इतना अच्छा व्यू मिल नहीं रहा था। और इतने में एक और भाई डासिया आ रही है सामने। अब डासिया भाई मतलब अपने रेंज से बाहर हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ चले गए, फिर से वो भाई आगे की तरफ जा रहा। देखो अब यहाँ से उसको मतलब ले ही लेंगे, देखना गाइस। भाई मतलब हेडशॉट तो लगा और भाई बहुत ही स्कैम, मतलब पीछे वाला जो बग्गी वाला बंदा था शायद ये वही बंदा है जिसपे मैंने फर्स्ट बार फायर किया था। तो अब इस बंदे की बारी है। अब यहाँ पर मेरे नोटिस में आता है कि भैया जी हमारे हाथ में तो डीपी है और डीपी में गोलियाँ भी कम है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी था भाई यहाँ से इस बंदे से दूर निकल लूँ, क्योंकि भाई सबसे पहले तो मुझे गन स्विच करनी है, क्योंकि भाई डीपी का जो फायर रेट है बहुत कम है। अगर उस बंदे पे M4 भी हुई तो वो हमको किल कर देगा। और ये देखो गाइस मतलब क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में, अगर उस बंदे का बिल्कुल एक्यूरेट फायर होता तो मैं किल हो जाता यहाँ पर। तो चलो गाइस फिलहाल तो हम यहाँ होल्ड कर रहे और जोन भी हम पे, ये अच्छी बात। अब सामने से एक बग्गी आती गाइस जिस पे मैं फायर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टायर फूट जाता है और वो बंदा ओपन में ही कूद जाता है। और सामने भाई सेक की तरफ एक और बंदा है जिससे फाइट करने लग जाता है वो। तुरंत डीपी पे स्विच किया और 6x लगा के भाई दे दिया इसको। और ये बंदा मराया था बिल्कुल प्रोन हो गया था वहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर हमारे 4 किल हो चुके और एक का गाड़ी वाला भाई ढांसिया वाला पता नहीं इसको क्या दिक्कत है भाई, राउंड राउंड लगाया जा रहा मेरे चारों तरफ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर फायर कनेक्ट हो जाते। पूरे हेड पे हेड ऑलमोस्ट 2 HP बचा हुआ ये बंदा। अब इतने में ये एक और ओपन मतलब USZ वाले भैया जी बीच बीच में लपके ले रहे, उसका गाड़ी भी मतलब ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था, लेकिन क्या सीन है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरा फोकस था वो ऊपर वाले बंदे पे, क्योंकि उसके मतलब वो डिसएडवांटेज में था, उसका गाड़ी फूट गया था। और इतने में मैं देखता हूँ कि वो भाई मतलब जंप करने लगा था भाई, वो इसलिए मेरे आसपास घूम रहा था भाई बहुत देर से। और ये बंदा मीटअप वाला है। अब इतने में राइट साइड से एक बग्गी आती है, मतलब ये क्या बोले इसको, पान की दुकान पे, और इसमें मैं फायर करके भगा देता हूँ। और ये जो मीटअप वाला बंदा था ये आ जाता है बिल्कुल क्लोज, और क्या बोले अब इमोट कर देते हैं, बात तो हो नहीं पाती है यार। तो गाइस यहाँ से मुझे एक सामने दिख रहा था BRDM और उसको मैं टैप फायर करके भगाता हूँ, कि वो सोच रहा होगा मेरा BRDM डैमेज कर देगा इसलिए वहाँ से वो निकल लेता है। अब यहाँ पर ये जो बंदा है भाई इसके पास गाड़ी तो है नहीं, और इतने में जोन स्टार्ट हो जाता है भाई क्लोज होना, तो अब इसको कैरी करना पड़ेगा भाई। ऐसा मत सोचना कि ये टीम अप करके खेल रहा है, बड़ा हीरो बन रहा है ऊपर पहुंच के, तो कैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये मेरा इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसके टीम अप करूं भाई, ये मतलब मीटअप करना चाहता था और इसका गाड़ी बिल्कुल ख़त्म था, तो इसको कैरी तो करना पड़ेगा गाइस, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर ही छोड़ के भाग जाऊँ इसको। तो गाइस इसको अगर कोई गिरा देता है या फिर नहीं गिरा पाता तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। तो गाइस यहाँ से बिल्कुल इंटेंस मैच, अगर मैं बीच बीच में बोलूँगा तो बिल्कुल इंटेंस का बिल्कुल फालूदा हो जाएगा, तो गाइस जहाँ जरूरत होगी वहीं बोलूँगा मैं।
तो गाइस जैसा आप देख सकते हो भाई, हर तरफ बंदे, पीछे भी बंदा, इस तरफ से भी डीपी पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और ये जो बंदा है भाई मीटअप वाला, ये भी सोच रहा होगा क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। तो गाइस फिलहाल तो हम कवर में और हेल्थ किट लगा लेते हैं। अब देखो गाइस क्या होता है। और ये जो बंदा अभी ओग से मारा, यही है मीटअप वाला बंदा। और देखो गाइस ये अगर एंड तक बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है। तो गाइस ऊपर वाला जो बंदा है भाई, वो कंटिन्यूस फायर कर रहा भाई, पीछे से हमारे पेट की खाल उखाड़ दी, ऐसा फायर कर रहा है। अब मैंने नेड कर दिया क्योंकि वो नेड जाएगा नहीं यार। तो गाइस यहाँ पर एक मीटअप वाला बंदे को मार देता है कोई दूसरा बंदा। और मैं यहाँ पर भाई, मेरा साउंड सेंस मतलब ईयरफोन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, दूर का साउंड मुझे एग्जैक्ट नहीं आता कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। और मैं बार बार अपना ओके ओके से चेक कर रहा था कि भाई साउंड माइक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साउंड मुझे सही क्यों नहीं आ रहा है। और स्नैक बन के मैं ट्राई कर रहा था कि इस बंदे को मैं क्लियर कर देता हूँ और इस तरफ से निकल लूँगा जोन में। क्या लग रहा है मुझे उस गाड़ी के पीछे बंदा है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ गाइस। चलो गाइस यहाँ बंदा है यार, मार दिया मुझे इसने यार, अच्छा खेल गया है बंदा। और ये क्या बता आगे जाके क्या करेगा, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम एलिमिनेट हो जाते हैं भाई नंबर 3 पे। और इतने ज़्यादा मतलब बंदे थे ना, और हर तरफ बंदे भाई, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही बंदे थे, मतलब वो फायर तो चालू ही था भाई, एक बंद करे तो दूसरा चालू, दूसरा बंद करे तो चौथा चालू, तीसरा मर जाता है ना भाई साले। और गाइस मुझे फायर पड़ते तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे जो हाथ है भाई, इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, और मतलब मूवमेंट बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो पाती भाई। तुमने पिछले वीडियो में भी देखा होगा 4x स्प्रे इतना खतरनाक, मतलब इतना भी बुरा नहीं है मेरा। तो गाइस यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर बार आप किल करके ही जीतो, कभी कभी आपको दिमाग का दही भी करना पड़ता है, मतलब दिमाग का यूज़ भी करना पड़ता है। तो गाइस मेरा ये कहना था कि भाई लीडर बोर्ड में टॉप पे आने के लिए मैं सीजन के स्टार्टिंग से मतलब इतना ज़्यादा खेलता था, इतनी ज़्यादा मेहनत करता था ना कि दिन में 10 से 12 घंटे खेलता था मैं, तब जाके इतना पॉइंट हुआ है। और अभी भी मैं वहाँ पे बना हुआ हूँ, मतलब वहाँ पर स्टे करना बहुत ही हार्ड है। तो गाइस मैंने इतना ज़्यादा खेला है पहले, और अब जब मैं खेलता हूँ तो मतलब आँखें बहुत ही जलन कर रही हैं, और ज़्यादा मैच में खेल नहीं पाता हूँ आजकल। तो गाइस जो भी मैच में खेलता हूँ उसमें से बेस्ट गेम प्ले मैं डाल देता हूँ आप लोग के। वैसे भी मैं जो भी गेम प्ले डालता हूँ ना, वो बिल्कुल क्वालिटी गेम प्ले होता है भाई, ऐसा गेम प्ले मतलब इस लेवल का गेम प्ले कोई बना भी नहीं सकता, बिल्कुल ही क्वालिटी और एजुकेशनल रैंक पुश वीडियो। तो गाइस फिलहाल जो भी बंदे रैंक पुश कर रहे हैं ना, उनको मुझे मालूम है कि कम प्लस मिल रहा है। तो गाइस अपना टायर कमेंट करके बता देना कि कौन सा टायर है और क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका तुरंत मतलब तुरंत प्रभाव से जवाब दे दूंगा भाई। टेंशन मत लो, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन मेरे पास है। नाम क्या तेरा? तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। और अगर भाई लोग तुम नए हो ना भाई मेरे चैनल पे, और अगर तुमको मेरा गेम प्ले या फिर जो स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद आया हो, इस तरीके से खोल कर खेला जाता है और टॉप किया जाता है, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना तुम लोग, स्पेशली जो नए हो। और भाई सब्सक्राइब करोगे तो मजा आया, कर दो यार सब्सक्राइब एकदम फर्राटेदार स्पीड से, हमको 10K करने बहुत ही जल्दी गाइज। और जैसा कि तुमको मेरी पिछली कुछ वीडियोस से सुनाई भी दे रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि भैया जी को कोल्ड हो गया, और कोल्ड इज वेरी ओल्ड एंड ओल्ड इज गोल्ड, और गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है भाई सोना, और सोने का पर्यायवाची होता है भाई नींद। और मैं भाई बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, वीडियो बनाने में बहुत ही बिजी रहता हूँ, तो गाइज चलता हूँ यार, अब सोने का टाइम है, तो बाय यार। I could smoke you, I could roast you, and then you'd love it, you'd text me, I love you, and then I'd fucking ghost you.